सब्सक्राइब करें साहिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल को, साथ में पाएं ढेर सारा इनाम और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करके शेयर करें। यही है मेरी वो डब्बा टीवी, जिस डब्बा टीवी में मैंने आप लोगों को चला के दिखाया था मोबाइल और इसमें कौन सी डिवाइस मैंने उस दिन इस्तेमाल की थी, लगाई थी, जिससे ये हमारी डब्बा टीवी बन गई एक स्मार्ट टीवी। यानी कि दोस्तों डब्बा टीवी भी आप अब स्मार्ट टीवी बना सकते हैं और इसमें दोस्तों आप YouTube चला सकते हैं, जियो टीवी चला सकते हैं और अपने घर की फोटोज को देख सकते हैं, वीडियोज को देख सकते हैं और जो भी आप मोबाइल में गतिविधियां करेंगे वो सब कुछ आपके इसमें दिखेगा। यानी कि WhatsApp भी चला सकते, किसी प्रकार का आप चैट करते हैं, फेसबुक आपकी टीवी में चलेगा, इंस्टाग्राम चलेगा, यानी कि दोस्तों एक्स वाई जेड सब कुछ चलने वाला है आपकी इस डब्बा टीवी में। तो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे कि कौन सी डिवाइस मैंने उस दिन यूज की थी इस डब्बा टीवी में। तो दोस्तों बहुत मजा आने वाला है और आप लोग झूम जाओगे। और कुछ ऐसे लोगों ने हमारी उस वीडियो में कमेंट किया था, डिवाइस तो दिखाया ही नहीं और वीडियो बना दिया। मेरे भाई अगर आप पूरी वीडियो देखे होते तो आपको मालूम हो जाता है कि भाई ने क्या क्या बताया, क्या क्या दिखाया। और जो भी डिवाइस मैंने यहाँ पे यूज किया था उस सारी डिवाइसों का लिंक मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था, आज भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ उन सभी लिंक्स का, उन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, उस वीडियो का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आप समझ पाएं कि हाँ भाई जो लोग ना नहीं उस वीडियो को देखे हैं उनके लिए। बाकी दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने उस दिन चलाया था इस स्मार्ट टीवी नहीं है, नॉर्मल टीवी है, डब्बा टीवी है। और ये डब्बा टीवी भी नहीं है, ये हमारे पास एक पुराना कंप्यूटर था उसका ये मॉनिटर है और इसमें मैंने बहुत सारे जुगाड़ लगा के ऑडियो वीडियो इस टीवी से निकाल लिया है। तो अब अगर आपके पास एक डब्बा टीवी है उसमें ऑडियो वीडियो की पिन निकली है तो सबसे पहली डिवाइस आपको कौन सी खरीदनी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए आप, ऑडियो वीडियो का केबल मैं यहाँ से निकालता हूँ और ये दोस्तों देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मिनी HDMI, क्या है HDMI 2 AV। यानी कि दोस्तों ये जो डिवाइस है ये HDMI 2 AV कन्वर्टर है। यानी कि हम यहाँ पे HDMI कोई भी कनेक्शन लगाते हैं, यानी कि सेटअप बॉक्स HD होता है उसका हम HDMI पोर्ट लगाते हैं तो ये ऑडियो वीडियो आउटपुट निकालता है। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला डिवाइस। उसके बाद से दूसरा जो डिवाइस है दोस्तों बड़ा लाजवाब है, बहुत ही मस्त है, इसकी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने अपने इसी YouTube चैनल पे दिखाया था, लेकिन दोस्तों आप फिर भी देखना चाहते हो तो देख लो। ये वो डिवाइस है, ये देखो आप लोग, ये डिवाइस है दोस्तों क्रोमकास्ट। ये आपके मोबाइल के थ्रू कनेक्ट होगी, यानी कि जो इसका ये HDMI का पोर्ट है वो हमारी इस डिवाइस में लगेगा और ये डिवाइस ऑडियो वीडियो निकाल के टीवी को देगी। अब ये डिवाइस कैसे वर्क करती है, इसका एक सिरा जो है अगर आपके पास कोई चार्जर हो या आपके पास कोई सेटअप बॉक्स है उसमें आप इसे लगा दीजिए, चार्जर में लगाइए, सिर्फ हमें सप्लाई देना है इस डिवाइस को। उसके बाद से दोस्तों जो ये इसका वाईफाई है ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों वेरी सिंपल है, रेडमी रियलमी या किसी भी कंपनी का मोबाइल आप फोन आपके पास है तो आप उसमें कास्ट एप्लीकेशन या तो इंस्टॉल कर लीजिए या तो कास्ट नाम का एक ऐप सेटिंग्स कहो वो रहता है आपके मोबाइल में, उसे जब आप ओपन करोगे तुरंत इस डिवाइस को ये ले लेगा और लेने के बाद दोस्तों तुरंत आपका जो मोबाइल है कनेक्ट हो जाएगा और पूरा आपका जो स्क्रीन है आपके मोबाइल का टीवी में दिखाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप अपने इसी चीज़ से आप अपनी टीवी को स्मार्ट टीवी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी जानकारी पाने के लिए। ऐसी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल पे
मिलती है। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।